Hey students, today we will discuss about our new topic Hindu undivided family in this video in detail. So continue watch this video. This is Noor Patel. Stay tuned. We will discuss about the business run by Hindus undivided family HUF meaning. First of all, according to Hindus law, business is inheritable. Business acquired by a way of inherited by Hindu undivided family is called a form of HUF. यानी कि जो हिंदू की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बिजनेस की एक सिस्टम है HUF, जिसके अंदर एक मेन हेड पर्सन होता है, जैसे कि हमारे घर में दादा जी जो हमारे बड़े होते हैं उसको कर्ता बोलते हैं, इस कॉल कर्ता द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सच हैंड्स इन द हेड ऑफ द फैमिली द सीनियर मोस्ट पर्सन डज नॉट विश टू रन द बिजनेस एट द एडमिनिस्ट्रेशन इज पास्ड ऑन द नेक्स्ट एल्डर पर्सन. यानी कि अगर दादा को नहीं करना है तो उनका बेटा जो सबसे बड़ा है वो, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद इसको कंटिन्यूसली चलता रहता है. जैसे कि हमारे अगर बात करें नेपाल के अंदर पॉपुलर है ये सिस्टम, जैसे कि एक सोनी है तो सोनी के दादाजी राइट, उनके शॉप ओनर, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, उनका बेटा, इस तरीके से कंटिन्यूस चलता रहता है. कैरेक्टरिस्टिक्स एक्जिस्टेंस बाय लॉ द फॉर्म ऑफ हिंदू अंडिवाइड फैमिली कम इन टू एक्जिस्टेंस बाय लॉ नियम कायदा कानून से एक्जिस्टेंट होता है. सेकंड मैनेजमेंट द मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म इज द हैंड ऑफ सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड कर्ता. जो कर्ता कर्ता धरता होता है वही हमारा बिजनेस चलाता है. मीन थर्ड इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन बिजनेस मैनेज द मैनेजमेंट इज डन बाय द कर्ता इंडिपेंडेंटली. ऑब्वियसली जो मेन पर्सन होता है वही बिजनेस को रन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है. अदर मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट ऑफ द इंटरप्ट इन द बिजनेस बट दे कैन हेल्प. उनको हेल्प कर सकते हैं लेकिन इंटरप्ट नहीं कर सकते राइट. अदर मेंबर्स कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ डिसीजन टेकन बाय कर्ता. फोर्थ मेंबरशिप कैसे मिलेगी ऑफ ए लिविंग अंडरवर्ल्ड फैमिली के अंदर बाय बर्थ मेंबरशिप मिलती है. यानी एक नए बच्चे के अगर बर्थ होता है ऑटोमेटिकली उसका नाम रजिस्ट्रेशन में आ जाता है, दैट इज ऑटोमेटिक बाय बर्थ. द चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली गेट्स द मेंबरशिप राइट फ्रॉम हिज बर्थ. फिफ्थ फाइनेंशियल कंट्रोल किसका रहता है. ऑल फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द बिजनेस इज लाई इन द हैंड्स ऑफ कर्ता. सो द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑल्सो रिमेन इन द हैंड्स ऑफ कर्ता. तो सभी कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है. कर्ता धरता जो धरता है, जो काम करता है वही कर्ता होता है. नेक्स्ट लायबिलिटी एंटायर बिजनेस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कर्ता, देयरफॉर द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड वेयर एज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. यानी जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है. अदर देन जो अदर होते हैं मेंबर्स उसकी लिमिटेड होती है. लाइफ स्पैन ऑब्वियसली ऑन दैट ऑफ द कर्ता और अदर मेंबर ऑफ फैमिली द बिजनेस कंटिन्यूस रहता है. इफ कर्ता डाइज देन द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन बिकम करता है. यानी उनकी फैमिली में मोस्ट सीनियर के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट सीनियर होता है, सबसे बड़ा होता है, वो कर्ता का स्थान लेता है, उनकी जगह पर बैठता है. तो ये लाइफ स्पैन है उसका. एट डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स रेज करने में डिफिकल्टी रहती है. क्यों? द सक्सेस ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ कर्ता. अगर कर्ता अच्छा है, एफिशिएंट है, काम करने वाला स्किलफुल पर्सन है तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा. और ना दैट इज द मेन द लिमिटेशंस ऑफ दिस थिंग. द फर्म हैज टू डिपेंड ऑन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर फंड रेजिंग. सो इट इज डिफिकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल. यानी कैपिटल नहीं रह सकते, वही फैमिली का कैपिटल इसमें रहेगा, बाहर से नहीं आएगा. दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग. नाइन इनसॉल्वेंसी नादार. यानी कि आपके पास लायबिलिटी कम है, ज़्यादा है. When the firm becomes insolvent, the members of the family are declared insolvent. The minors are excluded, then excluded for payment of debts. The share of all family members of HUF can taken into consideration. The liability of Karta is unlimited. यानी कि यहाँ पर insolvency आ गई. Court ने आपको कह दिया कि भाई इनके पास liability बहुत ज़्यादा, asset बहुत कम है. तो obviously insolvency के वक्त डेप्थ बढ़ जाएगा. HUF कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. यहाँ पर इन जो माइनर हैं, बच्चे हैं, वो अलग हो जाएंगे और कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड बढ़ जाएगी. पर्सनल एसेट बेचकर भी इनको लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी. तो ये है आपका नया टॉपिक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अवर नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो. राइट डाउन द मेन टॉपिक ऑफ वीडियो. इफ यू एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क एनी टाइम. दिस इज नूर पटेल. सब्सक्राइब, लाइक and share this video. Thank you so much.